करणे शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम्क्षरजत्रस्थिरंगुवा घुंसस्तनोभिरभ्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्षयो यरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक बार हम सभी लोग एक साथ उस परमात्म सत्ता को गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से प्रणाम करें और फिर कक्षा का शुभारंभ किया जाए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही सज्जनों को सादर नमन वंदन अभिनंदन। आज प्रश्नोपनिषद का चौथा दिन है स्वाध्याय का और टोटल 6 प्रश्न 6 ऋषियों ने किया था। वैसे तो एक प्रश्न एक दिन में लेना भी समय कम मिलता है, अगर उसका हम लोग श्रवण चिंतन मनन निरिध्यासन और अपनी भ्रांतियों को दूर करें, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये सब चीजें, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है तब तक उपनिषदों का यथार्थ में लाभ नहीं मिल पाता है। और अभी हम लोग सिर्फ सतही स्तर पर इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, गहराई में नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी सतत प्रयास जारी रहेगा। 6 प्रश्नों को बजाय 6 दिन के 5 दिन में इसको समाप्त करने का आदेश हुआ है, तो आज प्रयास हम करेंगे कि 2 प्रश्न को एक साथ ले लिया जाए और एक जस्ट ब्रीफिंग के तौर पर इंडिकेटिव ही स्वाध्याय किया जाएगा, क्योंकि विषय गूढ़ है। इसके एक एक तत्वों को जानना समझना और अपनी भ्रांतियों को रख करके उनका उन्मूलन करना ये समय साध्य है। तो अगर हम एक बार रिकैप ले लें कि पहली कक्षा जो है 6 ऋषियों में कत्य वंश के कबंधी ऋषि प्रश्न लेके आते हैं महाप्राज्ञ महर्षि पिपलाद से कि प्रज्ञा प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके उत्तर में ही आता है कि प्राण और रई को उस परमात्मा ने सबसे पहले बनाया और उसी के माध्यम से इस सृष्टि का निर्माण, प्रजा का निर्माण, सभी भूतों और भावनाओं का निर्माण उसी प्राण और रय के माध्यम से किया। उसमें यज्ञ प्रक्रिया की विधिवत चर्चा की गई, सविता और सूर्य के बारे में भी कुछ दृष्टांत रखे गए, और उत्तरायण और दक्षिणायण की क्या यात्रा होती है, क्या साधना होती है, उस पर भी चर्चाएं चली विस्तृत। उसके बाद दूसरे दिन की कक्षा विदर्भ देशी भार्गव ऋषि पूछते हैं महर्षि पिपलाद से कि देवताओं के बारे में, कि देवताओं की संख्या कितनी है, कौन कौन से देवता हैं, उसमें वरीता क्रम में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। प्राण को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया और प्राण के स्वरूपों की चर्चा चेतना की विभिन्न सतहों पर किया गया, प्राण को सूर्य के रूप में, प्राण को इंद्र के रूप में, प्राण को अग्नि के रूप में, मातृस्वा के रूप में, विभिन्न रूपों में प्राण के ऊपर चर्चा की गई, देवताओं के ऊपर चर्चा की गई। तीसरे दिन की कक्षा अश्वलायन ऋषि प्रश्न पूछते हैं
कि प्राण की उत्पत्ति के बारे में, जो गूढ़ प्रश्न था कि प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका नियोजन कैसे होता है, उसके उस कक्षा में प्राण के बारे में, उपप्राण के बारे में, 14 मुख्य प्राणों के बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें वो सारे प्राण जो है सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, हस्तजिह्वा, गंधारी, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा हुई थी कि किन किन अंगों को ये प्रभावित करते हैं, उनकी साधना कैसे करते हैं। नाड़ियों के बारे में चर्चा हुई थी कि टोटल नाड़ियां कितनी हैं, और व्यष्टि प्राण और समष्टि प्राण के बारे में चर्चा हुई थी, कुंडलनी जागरण कैसे किया जाता है, और शिव और शक्ति का जो दृष्टांत है वह सोम और अग्नि के स्वरूप में कैसे उसकी साधना की जाए, इस पर काफी गहन चर्चा पिछली कक्षा में हो चुकी है। अब 3 प्रश्न और बचते हैं, तो चौथे प्रश्न में सौरायणी ऋषि गार्ग जीवात्मा और परमात्मा के संबंध में जिज्ञासाएं रखते हैं, 4-5 जिज्ञासाएं। उन 5 जिज्ञासाओं के ऊपर महर्षि पिपलाद अपनी विस्तृत विवेचना देते हैं। उसके बाद पांचवें प्रश्न में सेवी पुत्र सत्यकाम पूछते हैं, ओंकार साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, कि ओंकार की उपासना कैसे की जाए, प्रणव की साधना, उद्गीत प्राणायाम को यथार्थ में कैसे आत्मसात किया जाए। और 6 प्रश्न भरद्वाज पुत्र सुकेशा करते हैं, तो सुकेशा जी का जो प्रश्न है वो पुरुष के बारे में जानकारी करना चाहते हैं कि पूर्ण पुरुष जो 16 कलाओं से युक्त है वो कहाँ पर रहता है उसके बारे में। तो चूंकि अब 3 प्रश्न को 2 दिन के अंदर कवर करना है, कठिन काम बहुत है, लेकिन इंडिकेटिव ही हो पाएगा, यथार्थ में चर्चा तो नहीं हो पाएगी इतने कम समय में, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि आज हम 2 प्रश्नों को ले लें। इसमें एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम सबके जीवन में जो नित्य नैमित्तिक साधना रत होते हैं उसमें ओंकार साधना, ओंकार की उपासना, प्रणव की साधना, उद्गीत क्या है, उसको कैसे आत्मसात किया जाए और उसका पूर्ण लाभ कैसे लिया जाए, ये प्रश्न जो है ये सत्यकाम ऋषि पूछते हैं, तो इस पर चर्चा विधिवत कल की कक्षा में कर ली जाएगी, जो 5वां प्रश्न है। और आज सिर्फ 2 प्रश्नों को, 4था प्रश्न और 6ठा प्रश्न जो समापन पर 6ठा लिया गया है उसको थोड़ा सा इंडिकेटिव सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं 6ठे प्रश्न को ही, और फिर 4थे प्रश्न पर आ जाते हैं, और 5वां प्रश्न, ताकि उसका अधिक से अधिक लाभ कल की कक्षा में, शनिवासरी कल की कक्षा जो दी जाएगी उसमें ले लिया जाएगा। तो अगर हम 6ठा प्रश्न लेते हैं, तो 6ठा प्रश्न जो है वो आता है कि 16 कलाओं के जो पूर्ण पुरुष हैं उनके बारे में, और ये प्रश्न पूछते हैं भरद्वाज पुत्र सुकेशा, तो ये क्या प्रश्न है, एक बार उसका पठन पाठन कर लिया जाए सामूहिक रूप से, उसको फिर इंडिकेटिव कुछ समझने का प्रयास किया जाए, और फिर हम स्विच ओवर कर लेंगे 4थे प्रश्न पर। तो 6ठा प्रश्न है, इसके बाद भरद्वाज ऋषि के पुत्र सुकेशा ने महर्षि पिपलाद से पूछा, हे भगवान, कोसल देश के राजपुत्र हिरण्यनाभ ने मेरे निकट आकर जो प्रश्न किया था वह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। हे भरद्वाज, क्या आप 16 कला से संपन्न पुरुष के विषय में जानते हैं? मैंने उस राजकुमार से कहा, मैं उसे नहीं जानता, यदि मैं जानता होता तो आपको क्यों नहीं बताता? जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो समूल सूख जाता है, अस्तु मैं झूठ नहीं बोल सकता। तदनंतर वो राजकुमार चुपचाप प्रथारूढ़ होकर चला गया। आप हमारा समाधान करें कि वो पुरुष कहाँ रहता है जिसके विषय में राजकुमार ने पूछा था। आचार्य पिपलाद ने उनसे कहा, हे सौम्य, जिस पुरुष में 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं वह इस शरीर में ही अंदर विद्यमान है। वह देह में स्थित पुरुष ने चिंतन किया कि किसके निकल जाने पर मैं निकल जाऊंगा इस देह से, और किसके प्रतिष्ठित रहने पर मैं इस देह में प्रतिष्ठित रहूंगा। उस पुरुष ने सर्वप्रथम प्राण का सृजन किया, तदुपरांत प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन और अन्न सृजा गया।
अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक एवं नाम आदि 16 कलाओं की रचना हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इस पर विशेष इस पर चिंतन की आवश्यकता है कि स प्राणम असृजत और प्राणात श्रद्धा खम वायु ज्योतिर आपह पृथ्वी इंद्रियम मनो अन्नम अन्नाद वीर्यम और तपो मंत्रा कर्म लोका लोकेश्च नाम च। इस सूत्र का बार बार जब भी हम लोग स्वाध्याय करते हैं इन ग्रंथों का, उपनिषदों का, ये सूत्र हर जगह मिलता है। प्रश्नोपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जिस प्रकार नदियां बहते बहते समुद्र में जा मिलती हैं और उसमें ही विलीन होकर अपना नाम रूप विनष्ट करके समुद्र ही हो जाती हैं, उसी प्रकार सर्वद्रष्टा परम पुरुष की खोटस कलाएं उस परम पुरुष में ही विलीन हो जाती हैं, उनके नाम रूप भी विनष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ही कहलाती हैं। इसके बाद भी वह पुरुष कला रहित और अमर है, इस तथ्य के प्रतिपादन स्वरूप यह श्लोक कहा गया है। रथ की नाभि में जिस तरह अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार जिस परम पुरुष परमेश्वर में समस्त कलाएं प्रतिष्ठित हैं, उस ज्ञातव्य पुरुष को जानो ताकि मृत्यु तुम्हें व्यथा न पहुंचा सके। ये टोटल 6 प्रश्न है और 7वां और 8वां इसका समापन का है, तो लास्ट इवनिंग को कर लिया जाएगा। अब इस पर थोड़ा सा विवेचना हम लोग कर लें कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें हम लोग कि जो यहां पर भारद्वाज पुत्र सुकेशा, ये थोड़ा सा हम लोग इन शब्दों को देखें कि शब्दों में हम लोग नामक्लेचर एक साइंस होती है और उस समय इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसके अर्थ क्या है। उस समय ऋषि की परंपराएं चलती थी। इस परिवार से हम हैं, सूर्य पुत्र हैं। सूर्य पुत्र मतलब कि सूर्य से संबंधित जो वंशावली चल रही है, जो तेज की पूजा करते हैं, पराक्रम की करते हैं, वो सभी सूर्य पुत्र हैं। ऐसी स्थिति में भरद्वाज ऋषि की जो परंपराएं आई, जितने भी उनके शिष्य हैं, वो सब पुत्र कहलाते थे। हम लोग सिर्फ पुत्र का न समझें मतलब कि शरीरगत उत्पत्ति है, हमारी आत्मा की उत्पत्ति हो रही है, हमारे प्राण की उत्पत्ति हो रही है, हमारे संस्कारों की उत्पत्ति वहां से हो रही है, हम द्विजत्व को प्राप्त कर रहे हैं वहां पर, इसलिए हम पुत्र हैं। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि गर्व है हमें अपने उस पिता पर जिसको पूरा संसार आज पूछता है, उस सदगुरु के रूप में, महाप्राज्ञ, परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में वो हमारा पिता है। शिष्य कहने में उतनी श्रद्धा नहीं उमड़ती है जितनी श्रद्धा का उमड़ पिता कहने में होता है। उसी तरह के पिता भरद्वाज ऋषि है। सुकेशा को उन्होंने संस्कार में ढाल लिया है, सुकेशा ऋषि ने, इसीलिए पुत्रों को भी हे भरद्वाज बोला जाता था। राजकुमार ने आकर के उनसे यही पूछा कि आप भरद्वाज ऋषि के शिष्य हैं, इसलिए हम जानते हैं कि आप ब्रह्मज्ञानी होंगे। अब वहां पर देखिए शिष्यत्व की साधना, कि शिष्य की सत्यनिष्ठा, उसकी विनम्र अभिव्यक्ति, द्विजत्व की और ब्राह्मणत्व की साधना की पहचान क्या है जो उनकी बाणी में झलकता है। कि राजकुमार ने पूछा ये प्रश्न और मैंने राजकुमार से विनम्रता पूर्वक कह दिया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता हूं। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? उसमें एक वर्ग ऐसा था, ब्राह्मण का वर्ग, जो कर्म से ब्रह्मनिष्ठ होते थे, उनका दायित्व बनता था कि वो अज्ञानता को, अज्ञानता से उत्पन्न जो अंधकार है उसको दूर करें। राजकुमार आए हैं प्रश्न पूछने, उस समय के राजा और राजकुमार आज के राजाओं की तरह से नहीं है। राजा राजकुमार का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ये जो व्यवस्था है वो तात्कालिक व्यवस्था है, आपातकालीन व्यवस्था है कि हम अपने पेट के लिए, अपने रोजी के लिए, अपने रोटी के लिए एक पद पर आसीन है। ये हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का? अध्यात्म विद्या, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। सभी एक ही रास्ते पर चलते थे,
अध्यात्म विद्या का अध्ययन राजा का प्रथम दायित्व तो था, अपने को पहचानना। राजकुमार आते हैं किसके पास जाएंगे, ब्राह्मण के पास, जिसने द्विजत्व की साधना किया उसका दायित्व तो बनता है वो आत्मविद्या के बारे में बताए। यहां पर सुकेशा ऋषि के अंदर सत्य निष्ठा की पराकाष्ठा है, समर्पण करते हैं। हे पूज्यवर, अगर मेरे को आता तो मैं जरूर बता देता हूं उनको, लेकिन मेरे को नहीं आता। नहीं आता का क्या मतलब हुआ, बोधत्व की प्राप्ति उन्होंने नहीं किया था। थ्योरेटिकल जानकारी तो सबको होती है, आत्मा है परमात्मा है सब जानते हैं, वाणी का विलास तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन बोधत्व में उन्होंने आत्मसात किया है कि नहीं किया है, इसलिए बड़ी विनम्रता से उन्होंने किया कि इसके बारे में हमको बिल्कुल नहीं पता है कि वो पुरुष जो 16 कलाओं से पूर्ण है उसके रहस्य को हमने बोधत्व में नहीं उतारा है, आत्मसात नहीं किया है, हम वाणी का विलास नहीं कर सकते हैं। ये ब्राह्मण की पहचान है। तीन लक्षण ब्राह्मण के पिछली कक्षा में चर्चा में आया था, तत्व ज्ञानी होना चाहिए, गुरुदेव ने बताया है, तत्व ज्ञानस्य विद्यांसो ब्राह्मणास्य तपोबलै अन्धकारम् अपाकुर्युः लोकात् अज्ञानस्य। तो उसका दायित्व तो है ब्राह्मण का कि समाज में अज्ञानता से उत्पन्न जो भी अंधकार की वजह से जो समस्याएं हैं उनका समूल नाश करना है ब्राह्मण को। सबसे ऊंची साधना ब्राह्मणत्व की होती है। तत्व ज्ञानी विद्वान अनुभव किया हो उन्होंने, बोधत्व को प्राप्त किया हो, और तपोनिष्ठ भी, विनम्रता पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया कि मैं द्विजत्व को नहीं ग्रहण किया था, इसलिए मैंने जवाब दे दिया कि मैं नहीं जानता हूं। ये होती शिष्यत्व की साधना, शिष्य की पहचान। दूसरा, जब उन्होंने अपने गुरु से पूछा, महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि से पूछा कि हे पूज्यवर, आप बताएं कि वो राजा ने, जिस राजकुमार ने जिस प्रश्न को रखा था, पूर्ण पुरुष 16 कलाओं से जो युक्त है वो कहाँ रहता है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। अब यहां पर प्रश्न फिर आता है कि जो चर्चा आई है उस समय आत्मविद्या अध्यात्म विद्या के लिए जो प्रैक्टिकल किया जाता था, लैब की आवश्यकता होती, वो लैब कहाँ है। हमारे ऋषि अलग से लैब नहीं बनाते थे, यही शरीर, स्व शरीर ही लैब है। सारी साधना हमको इसी शरीर में करना होता है, सारा अचीवमेंट इसी को करना पड़ता है, इसी के अंदर सारे साधन है, और यही साध्य भी हमारा है जो इसके अंदर समाहित है। वो पूर्ण पुरुष, एक पुरुष शब्द आता है बार बार वेदांतों में, तो पुरुष के अधिकांश जगह जो अर्थ लिए गए हैं वो आत्मा है, परमात्मा है, उसी को पुरुष बोलते हैं। पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया गया, पुरुष का मतलब अधिकांशतः, कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांशतः पुरुष का मतलब परमात्मा से ही लिया गया है, स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है वो। इसलिए देवताओं की पूजा पुरुष सूक्त से की जाती है, स्त्री सूक्त कोई नहीं होता, वहां पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कोई मैटर ही नहीं है, परमात्मा अलिंगी है। पुरुष सूक्त मतलब परमात्मा का जो फार्मूला है उससे उपासना की जाती है, वो 16 सूत्र दिए गए हैं, उसी से हम एनालिसिस करते हैं, परमात्मा के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, इस लिमिटेड माइंड सेट के अंदर उस अनलिमिटेड चीज को पकड़ने का प्रयास करते हैं, वो पुरुष सूक्त है, उसके बारे में यहां चर्चा करते हैं। करते क्या है, प्रसवन की क्रिया और प्रतिप्रसवन की क्रिया, कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है और सृष्टि वापस कैसे उसके अंदर प्रतिष्ठित होती है, समाहित होती है, मेन प्रश्न यही आ रहा है कि कैसे, किसके अंदर ये सभी प्रतिष्ठित हो जाते हैं और इसका निर्माण कैसे हुआ है सृष्टि का, वो सूत्र बताइए। 16 कलाएं इसमें आ रही हैं, 16 मुख्य तत्वों की बात हुई है, 16 फेसेस की बात हुई है, वो परमात्मा जो है, वो जो आत्मा है, 16 फेसेस में कन्वर्ट कैसे होती है, ताकि हम इस सृष्टि के रहस्य को समझ सके। उलट पुलट कब लंका जारी, एक बार हम इस तरह से चले पूरब से पश्चिम और फिर पश्चिम से पूरब, तो उसके गुण रहस्यों को समझना आसान हो जाएगा। आत्म पुरुष वही हमारा स्वशरीर है,
उसी के अंदर हमारा आत्मवर्चस्व है, उसी के अंदर ब्रह्म वर्चस्व है, वही पूर्णता की प्राप्ति है। और ये इसी शरीर से प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या सूत्र इन्होंने दिया था, जो भी सबसे महत्वपूर्ण सूत्र की बात आई है, उस सूत्र में क्या है कि स प्राणम असृजत और प्राणात श्रद्धा खम वायु ज्योति आप पृथ्वी इंद्रियां मनो मंत्रो अन्नम अन्नात वीरजम तपो मंत्र कर्म लोका लोकेश च नाम च। इसको विहंगम एक लाइन में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसके यथार्थ को समझना पड़ेगा। स प्राणम असृजत, उसने सबसे पहले प्राणों की रचना की, और ये 16 कलाओं का पुरुष इसी में है। 16 कलाएं कौन सी इसकी हैं, 16 फेसेस कौन से हैं जिसमें वो ट्रांसफॉर्म होता है, अपने को परिवर्तित करता है लोगों का निर्माण करने के लिए। सबसे पहले अपने से प्राण निकालता है। प्राण क्या करता है, श्रद्धा में परिवर्तित होता है, और श्रद्धा से फिर आकाश, श्रद्धा खम, खम मतलब आकाश से होता है, फिर आकाश से वायु, वायु से ज्योति, ज्योति से आपह, आपह से पृथ्वी, और पृथ्वी से इंद्रियां, और इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों से मन पैदा होता है, और मन के संचालन के लिए अन्न की उत्पत्ति, और अन्नाद वीरजम, और वीर्ज को जब पुष्ट किया जाता है तो तपोनिष्ठ बनता है व्यक्ति, तो वीर्ज से तप, और तप से प्रेरणा मिलती है, अंदर से प्रेरणा जागृत होती है, उसको मंत्र बोलते हैं, परामर्श आता है, विचार आता है, अंत प्रेरणा जागृत होती है। तो वीर से वीर्यात मंत्रम तप, और मंत्रा कर्म, और जब प्रेरणा जगती है तो कर्म संपन्न होता है, ज्ञान से ही कर्म की संपन्नता हो पाती है, और कर्म करने से ही लोगों का निर्माण होता है, और जब लोगों का निर्माण होता है तब 16वें नंबर पर आता है नामकरण साइंस, किसका क्या नाम रखा जाए, किसको कैसे पहचाना जाए। तो हर युग की अपनी नामकरण साइंस होती है। हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जब उस वैदिक काल के नाम को आज के परिप्रेक्ष्य में उसके अर्थ लगाने लगते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, फिर साधना हमारी भटक जाती है। ये नामकरण की पूरी साइंस है। अब इसको एक लाइन में कि उसने सबसे पहले प्राण को पैदा किया, प्राण का स्वरूप क्या था, प्राण का एक प्रकाश का स्वरूप है, दिव्यता का स्वरूप है। प्राण और रई की विस्तृत चर्चा हो चुकी है, इसके एक एक शब्दों का, जैसे जल, तो जल ये H2 वाला जल की बात नहीं यहां पर आई है। आत्मीयता, ममता, करुणा, ये सब जल के स्वरूप है। अगर श्रद्धा से खम पैदा हो रहा है, खम का मतलब आकाश, आकाश के सेंस में जब हम इसका चिंतन करें, जब मनन करें, निधि ध्यासन करें, तो इसकी चेतना की गहराई में जाना पड़ेगा। आकाश क्या है, आकाश में जब हम जाएंगे तो इस पिंड के अंदर भी आकाश है। पिंड के बाहर भी बड़ा मठाकाश है, ये घट है तो घटाकाश, घट के बाहर मठाकाश, जो हम संस्कारों में जी रहे हैं उसके बाहर जाएंगे तो आकाश, पूरे विश्व ब्रह्मांड के लेंगे फैलाव महाकाश, उसके बाद जो मन के लेवल का जो आकाश बनता है वह चित्ताकाश, और फिर उस लेवल पर जहां पर समत्व बुद्धि की बात आई थी उसको चिदाकाश कहते हैं, जहां पर परमात्मा अपने पर ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होता है, वो चिदाकाश है। उस आकाश का निर्माण यहां से हुआ है। इसके मूल तत्वों की बात आई है, इसी को 16 कला कहते हैं, 16 फेसेस, जिसके रूप में ट्रांसफॉर्म परमात्मा हुआ है। तो क्योंकि इससे ज्यादा अभी समय नहीं है, अब हम दूसरे प्रश्न को ले लेते हैं और इस पर विधिवत चर्चा, क्योंकि 16 जो हमारे पुरुष सूक्त है उससे कैसे कोरिलेट करते हैं इन कलाओं को, और कला हमारी कई रूपों में आती है। नाद बिंदु कला की एक साधना अलग होती है, उसमें दिव्यता का स्वरूप लगते हैं, जिसे आनंद की प्राप्ति होती है। ये 16 फेसेस के 16 कला के 16 पुरुष हैं, इसी को पूर्ण पुरुष बोलते हैं। पूर्णत्व की प्राप्ति कैसे करते हैं, उसकी साधना कैसे होती है, यह एक अलग प्रश्न आएगा। क्योंकि समय कम है इसलिए इसमें चर्चा नहीं की जा सकती है। अब हम सीधे आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर, जो सारणी महर्षि गार्ग ने
महर्षि पिपलाद से पूछा है, जीवात्मा और परमात्मा विषयक, क्योंकि समय आज कम है तो हम प्रयास करेंगे, हो सकता है कि 4-5 मिनट ज्यादा ले लें, कि इस प्रश्न को भी आज कवर कर लिया जाए, तो हम चौथे अध्याय पर आ जाते हैं सीधे। महर्षि सौरायणी या महर्षि गार्ग जो पूछ रहे हैं महर्षि पिपलाद से, वह आत्म परमात्म विषय प्रश्न क्या है, उस पर थोड़ा सा आ जाए। तदुपरांत सूर्य पुत्र गार्ग ने महर्षि पिपलाद से प्रश्न किया, हे भगवान, इस पुरुष देह में कौन इंद्रियां शयन करती हैं और कौन जागृत रहती हैं, कौन देवता स्वप्न देखता है और कौन सुख अनुभव करता है, ये सब किसमें प्रतिष्ठित है। महर्षि पिपलाद ने गार्ग ऋषि से कहा, हे गार्ग, जिस प्रकार सूर्य की रश्मियां उसके अस्त होने पर सिमट कर उसी के तेजो मंडल में एकीभूत हो जाती हैं और सूर्योदय होने पर पुनः सर्वत्र फैल जाती हैं, उसी प्रकार समस्त इंद्रियां परम देव मन में एकीभूत हो जाती हैं। तब ये पुरुष न देखता है, न सुनता है, न स्वाद लेता है, न सूंघता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न मल का त्याग करता है, और न ही आनंद का अनुभव करता है, और न ही किसी प्रकार की चेष्टा करता है। तब उसकी इस स्थिति को शयन करना या सो जाना कहते हैं। सोते समय इस शरीर रूप पुर में प्राण रूप अग्नि ही जागृत रहता है। यह अपान ही गर्भपत अग्नि है, ज्ञान ही अनाहार्य पचन अग्नि है, गर्भपत से ले जाया गया प्राण ही प्राणेन प्रक्रिया के कारण आवनि अग्नि के रूप में है। शरीरधारी में श्वास उच्छ्वास और निःश्वास, श्वास लेना और श्वास को छोड़ना ही यज्ञ आहुतियां हैं। उन आहुतियों को समानता पूर्वक विभक्त करने के कारण समान वायु ही ऋतिक है, मन निश्चित ही यजमान है और अभीष्ट फल उदान है। यही उदान इच्छित फल मन को नित्य ही ब्रह्म में स्थित करता है। स्वप्न की स्थिति में यह देव अपनी महिमा का अनुभव करता है। जागृत अवस्था में इसने जो देखा था उसी को पुनः स्वप्न में देखता है, जो सुना था उसे ही सुनता है, विभिन्न दिशाओं में अनुभव किए हुए को पुनः पुनः अनुभव करता है। इतना ही नहीं, ये देखे को भी और अनदेखे को भी, सुने को भी अनसुने को भी, अनुभूत किए हुए भी और अनुभूत, सत को भी और असत को भी, समस्त पदार्थों को देखता है और स्वयं भी सर्वरूप बनकर देखता रहता है। जब ये जीवात्मा तेजस से संपन्न होता है तब ये स्वप्न नहीं देखता, उस समय शरीर में यह आनंद अनुभव करता है और उसी को सुसुप्ति की अवस्था कहते हैं। हे सौम्य, जिस प्रकार पक्षी अपने निवास स्थान वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार ये समस्त तत्व परम आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये समस्त तत्व की बात यहां पर आई है, और तत्वों की जब चर्चा चलती है तो ये चर्चा आ चुकी है क्लास में कि 24 तत्व जो मूल तत्व हमारे हैं, जिनसे इस प्रजा की उत्पत्ति हुई है, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, उन तत्वों की चर्चा आई है। तो गत मंत्र में जिन तत्वों का संकेत है, वे पृथ्वी एवं उसकी तन्मात्रा गंध, जल एवं उसकी तन्मात्रा रस, आकाश एवं उसकी तन्मात्रा शब्द, वायु और उसकी तन्मात्रा स्पर्श, तेज और उसकी तन्मात्रा रूप, नेत्र और देखने योग्य दृश्य, कान और सुनने योग्य शब्द, घ्राण और सूंघने योग्य गंध, रसना और स्वाद ग्रहण करने योग्य रस, त्वचा और स्पर्श करने योग्य पदार्थ, हाथ और ग्रहण करने योग्य पदार्थ, वाक शक्ति और वक्तव्य विषय, उपस्थ और उससे संबंधित विषय आनंद, गुदा और विसर्जन योग्य मल, पैर और गंतव्य स्थल, मन और मननी विषय, बुद्धि और जानने योग्य विषय, अहंकार और उसका विषय, चित्त और चिंतनी विषय, तेजस और प्रकाशित करने योग्य पदार्थ, प्राण एवं उसके आश्रित रहने वाले पदार्थ, ये सब परम आत्मा में विलीन हो जाते हैं। ये प्रतिप्रसवन की क्रिया कैसे संपन्न होती है उसके बारे में बड़ी विहंगम दृष्टि रखते हैं कि कैसे परम चेतना जो है इस सृष्टि के रूप में परिवर्तित होती है और पुनः जब सृष्टि को समेटना होता है अपने में, क्योंकि आत्मा में सारी चीजें प्रतिष्ठित होती हैं, तो ये वापस कैसे प्रतिष्ठित होता है, उसमें उस तत्व और तत्व के जो विशेष गुण है वो किस तरह से उसके अंदर समाहित होते चले जाते हैं, और फिर लास्ट में क्या आता है, अहम जगत्वा सकलम शून्यं व्योम समम सदा। उस सूत्र को अगर हम याद करते हैं कि शून्य से ही सृष्टि का निर्माण हो रहा है,
और फिर ये सृष्टि पुनः उसी शून्य में समाहित हो जाती है। और शून्य निर्वात नहीं है, बहुत कंसंट्रेटेड है, हाईली चेतना से संयुक्त शून्य है वो। वो जड़ता का शून्य नहीं है। चेतना जब घनीभूत होती है तब वो शून्य में समाहित होती है। उसी शून्य को अहम जगद्वा सकलम शून्यम कहते हैं। वो यहां पर आता है, यही दृष्टा देखने वाला, अस्पष्टा स्पष्ट करने वाला, श्रोता सुनने वाला, घ्राता सूंघने वाला, रसयिता रस लेने वाला, मनता मनन करने वाला, कर्ता कर्म करने वाला, और बोधा उसको जानने वाला। ये विज्ञानात्मा पुरुष है जो परम अविनाशी ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। हे सोम, जो पुरुष इस छाया रहित शरीर रहित अलोहित शुभ्र अक्षर परमात्मा को भली भांत जानता है वह सर्वज्ञ है और सर्वरूप होकर के उसी को प्राप्त हो जाता है, ऐसा इस श्लोक में भी वर्णित है। हे सोम, जिस अविनाशी परब्रह्म में समस्त देवगण समस्त प्राण और समस्त भूत भली प्रकार प्रतिष्ठित होते हैं, उसे जानने वाला सर्वज्ञता सर्वज्ञाता भी उसी परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। और यहीं पर हमारी यात्रा समाप्त होती है। उस आत्मा को जानने का मतलब होता है उस आत्मा को प्राप्त करना, परमात्मा में समाहित हो जाना, उसी में विलीन हो जाना। और जब परमात्मा हमारे अंदर प्रवाहित हो जाता है पूरी तरह से, तो हमें और उस परमात्मा में, हमें और उस आत्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता है। फुटा कुंभ जल चलें समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। ये प्रक्रिया पहले प्रसवन को हम समझ लें, और फिर प्रति प्रसवन कैसे होता है, और यज्ञ प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है, क्योंकि इसी यज्ञ के माध्यम से ही इसकी प्राप्ति की जा सकती है। ये थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, फायदा एप्लीकेशन के बाद ही मिलता है। हम लोग थ्योरेटिकल जो भी प्रयास कर रहे हैं ये वाणी का विलास है, लेकिन इस चीज को जब गहनता में जा करके, चेतना के उस उच्चतर आयाम में पहुंच करके जब इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने अंदर घटित करेंगे, और इसी प्रयोगशाला के अंदर, इसी लैब के अंदर सब कुछ करना पड़ेगा, इन सूत्रों को आत्मसात करना पड़ेगा। तो इस पर थोड़ा सा एक विहंगम दृष्टि डाल ली जाए कि इसमें इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी चर्चा में आया है। इसमें इनकी पांच जिज्ञासाएं आती हैं। पहली जिज्ञासा आती है कि हमारी जो तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत की, स्वप्न की और सुषुप्ति की, इसमें कौन जगता है, कौन सोता है, ये क्यूरियोसिटी आती है। हम लोग कहते हैं कि बहुत गहरी नींद आई थी, तबीयत प्रसन्न हो गई। प्रश्न आता है कि उस गहरी नींद में हम जो बोल रहे हैं, जग कौन रहा था, सब कुछ तो सो रहा था, लेकिन कोई तो है जो जग रहा है, कौन है वो, हम तो सो जाते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया सूर्य से कि जब सूर्य उदित होता है तो उसकी पूरी किरणें निकल करके पूरे विश्व ब्रह्मांड को आच्छादित कर लेती है, अपने स्वरूप का फैलाव कर देता है। और जब सूर्यास्त होता है तो वही किरणें जो सृष्टि के संचालन के लिए फैली थी, अपने को समेट करके उसी सूर्य के अंदर समाहित कर लेती हैं सूर्यास्त के समय, और सूर्य भी कुछ टाइम के लिए विलीन दिखाई पड़ता है। वही कंडीशन हमारे इंद्रियों की होती है कि जब हम सुसुप्ति में जाने लगते हैं, सोने की कंडीशन में जाने लगते हैं, जागृत अवस्था से जब दूर होने लगते हैं, तो सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, और शिथिल होकर के वो परम देव मन, मन को परम देव कहा गया है, उसी मन के अंदर विलीन होने लगती है, और फिर मन भी सो जाता है। जागृत अवस्था में सब कुछ जग रहा है, हम खूब सोच रहे हैं, हमारी सारी इंद्रियां काम कर रही है, सारे देवता अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरी अवस्था आती है सुसुप्ति की, इंद्रियां सब शिथिल हो गई, मन के अंदर विलीन हो गई, लेकिन मन अभी जग रहा है। मन जग के क्या कर रहा है, अब उसके लिए अपने को थोड़ा सा एनाटॉमी में जाना पड़ेगा। इस माइंड की अगर एनाटॉमी देखा जाए तो फ्रंटल लोब, जब हम जागृत की अवस्था में रहते हैं, खूब सारा दिमाग लगाते हैं, तो सारे दिमाग हमारे फ्रंटल लोब से जनरेट होते हैं, और जब हम
स्वप्न देखते हैं, अचेतन की अवस्था, चेतन और अचेतन दो अवस्थाएं होती हैं। जब अचेतन की अवस्थाएं में जाते हैं तो उसमें फिर दो स्वरूप आ जाता है, एक अवचेतन एक सुपर चेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सब कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। तो जब हम सब कॉन्शियस में जाते हैं उस कंडीशन में पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल एंड पैराइटल, ये दो का लेवल बहुत ज्यादा होने लगता है, बहुत मोटी एरिया पड़ जाती है मोटे शब्दों में अगर बताया जाए। और ये जो मोटी परत होती है ये हमारे संस्कारों की है, जो हमारे कुसंस्कार और सुसंस्कार इसके अंदर हार्ड डिस्क में पड़े रहते हैं, उस टाइम वो काम करने लगते हैं। इसीलिए जो इसमें सूत्र आया है कि वो मन जो जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, जो कुछ समझा है, जो कुछ सूंघा है, टेस्ट किया है, स्वाद लिया है, उन सब के बारे में सोचने का काम करता है, देखने का काम करने लगता है। इंद्रियां तो सो रही हैं, लेकिन मन जग रहा है। और इतना ही नहीं, जो कुछ नहीं देखा है, नहीं सुना है, नहीं सोचा है, उसके बारे में भी विचार करने लगती है। इसका मतलब जन्म जन्मांतर के हमारे जो संस्कार सुरक्षित हैं इस हार्ड डिस्क में, जिसको हमें भी पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब की बात की है, अवचेतन मस्तिष्क मॉडर्न साइंस भी मानना शुरू कर दी है, इस कचरे को साफ करना है साधना के माध्यम से। तो ऐसी कंडीशन में हम जागृत को स्लो डाउन करते हैं और इन कचड़ों की सफाई करते हैं अंदर जाकर के साधना के माध्यम से, तब इस मोटी परत के पार जाकर के सुपर कॉन्शियस लेवल पर जाते हैं। और सुपर कॉन्शियस लेवल में सुसुप्ति की अवस्था, समत्विकासन, जो समत्व बुद्धि योग की बात आती है, वो वही अवस्था है जिसमें योगी जगता है, उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर सो रहा है, मन भी सो रहा है, सब कुछ सो रहा है, लेकिन उसकी प्राण की चेतना, ये प्राण की अग्नि सभी कालों में जगती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब भी ये प्राण की अग्नि जगती रहती है, ये अपना काम करती रहती है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव रहता है, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन, हार्ट को कौन चला रहा है, सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। किडनी फंक्शन कर रही है, पैंक्रियास फंक्शन कर रहा है, जितने भी हमारे लीवर फंक्शन कर रहा है, कोई भी आर्गन हमारा बैठा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राण की अग्नि, प्राण की ऊर्जा वो जागृत है उस अवस्था में। इसको समझने की आवश्यकता है। इसीलिए अग्नि, अग्नि को परमात्मा का स्वरूप माना गया है, जो सबसे हमारा पहला वेद है, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि की उपासना करता है, ओम अग्नि मिले पुरोहितम। जब भी हम कोई संस्कार संपन्न करते हैं तो उस संस्कार में अग्नि ऋषि पवमान पुरोहित है, पांच जन्य पुरोहित है, तमी महे महागयम सहा, उसको हम समर्पित करते हैं। वो प्राण की अग्नि उस सदैव जागृत रहती है, हर स्थिति में जागृत रहती है, चाहे हम जागृत अवस्था में हो, स्वप्न की स्थिति में हो, या सुसुप्ति की स्थिति में हो, या तुरिया सुसुप्ति के आगे की अवस्था, तुरिया की अव्यक्त की, जहां पर वो परा साइंस की पराकाष्ठा पर पहुंचने वाला साधक वहां पर जाकर के अनुभव करता है, सृष्टि को देखता है, समष्टि को देखता है, जब वो ब्रह्म स्वरूप होने लगता है। अब अगर हम पंचाग्नि विद्या की बात कर ले, जब अग्नि की बात आती है तो अग्नि विद्या भी जानना जरूरी है अपने को, क्योंकि अग्नि साइंस ही हमको इसका परिष्कार करके पूर्णता तक पहुंचा सकती है। वो अग्नि साइंस क्या है? हम लोग पंचाग्नि के नाम पर भ्रमित हो जाते हैं, उसकी साधना हम जिस भी स्वरूप में कर सके हर स्वरूप में फायदा करता है। तो थोड़ा सा चर्चा, क्योंकि 10 मिनट का समय बचा है, तो थोड़ा सा हम पंचाग्नि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो पंचाग्नि क्या है? पंचाग्नि को हम विभिन्न रूपों में समझने का प्रयास कर सकते हैं।
क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अगर हम अपने को देखते हैं तो हम गायत्री की साधना कर रहे हैं, और गायत्री की साधना और कोई साधना नहीं है, सिर्फ पंचाग्नि की एक साधना है। अगर हम इसको काव्यात्मक रूप से देखा जाए तो हमारे राष्ट्रकवि मैत्री सारण गुप्त वो भी पंचाग्नि विद्या की बात करते हैं। क्या कहते हैं वो? पलता था पंचाग्नि बीच व्याकुल आदर्श हमारा, पलता था पंचाग्नि बीच व्याकुल आदर्श हमारा, यह है पंचाग्नि काव्यात्मक शैली में देखा जाए। अगर हम इसको आयुर्वेद की शैली में लें तो आयुर्वेद में भी पंचाग्नि की बात आती है। वहां पर पंचाग्नि औषधि के रूप में है, उसमें 5 औषधियों का नाम आता है, वो भी पंचाग्नि की साधना करते हैं। जो आयुर्वेद के हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं वो करते हैं चीता, चिचड़ी, भिलावा, गंधक एवं मदार। ये 5 औषधि तत्व ऐसे हैं जिसके अंदर जबरदस्त गर्मी रहती है, तो जब शरीर में कफ बढ़ जाता है तो कफ के निवारण के लिए पित्त की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर भी पंचाग्नि की उपासना है। वो पंचाग्नि हमारे शरीर के रोग को नष्ट करती है आयुर्वेद की औषधि प्रक्रिया के माध्यम से, वो वहां की पंचाग्नि उपासना है। और अगर अस्थूल के रूप में देखा जाए, जिसकी चर्चा अधिकांश लोग, चूंकि अधिकांश लोग अस्थूल के बारे में सोचते हैं, साधक को अस्थूल से तुरंत स्विच ओवर करके सूक्ष्म और कारण स्तर पर जाना पड़ता है, तो अस्थूल में पंचाग्नि की बात कैसे जाती है? पंचाग्नि में सूर्य साधना की जाती है, और जबरदस्त गर्मी में सूर्य का तप सहने के लिए अपने चारों तरफ अग्नि को जला करके और उस तपते हुए सूर्य के नीचे बैठ करके खुले आकाश में अस्थूल की जो साधना की जाती है वो भी एक पंचाग्नि साधना है। आज के समय काल में, आज की परिस्थितियों में वो प्रासंगिक नहीं रही है। एक समय में था प्रासंगिक, लेकिन आज प्रासंगिक नहीं है उतना। अगर हम और रूप में जाएं, छांदोग्योपनिषद में जो पंचाग्नि की बात आई है, वहां पर पंचाग्नि में सूर्य की बात आई है, पर्जन्य की बात आई है, पृथ्वी की बात आई है, और पुरुष और स्त्री की बात आ रही है। इन 5 चीजों को पंचाग्नि मानते हैं छांदोग्योपनिषद में। अगर जाते हैं उसकी अलग साधना है। बृहदारण्यकोपनिषद में जाते हैं तो मधु विद्या की बात आई है, मधु विद्या भी पंचाग्नि विद्या है। और अगर हम तैतरीयोपनिषद में जाते हैं, जिसकी व्यक्तिगत साधना हम स्वयं कर रहे हैं, और उस परम पूज्य महाप्राज्ञ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो टूल्स दिया है, उस टूल्स का नाम है गायत्री साधना। ये गायत्री साधना और कोई साधना नहीं है, खाली गायत्री मंत्र का जप नहीं है, ये पंचाग्नि विद्या की साधना है। और वो पंचाग्नि विद्या इस तैतरीयोपनिषद में इन डिटेल दी गई है। उसमें 5 अग्नियों की बात आई है, गुरुदेव ने जो साधना कराई है, अपने बच्चों से जो उम्मीद किए हैं कि अगर हम इस पंचाग्नि विद्या की साधना करते हैं सतही जानकारी नहीं, तो हमको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो 5 अग्नियां कौन सी हैं? प्राणाग्नि, जीवाग्नि, योगाग्नि, आत्माग्नि, लास्ट में ब्रह्माग्नि। परिष्कार की साधना, प्राणाग्नि की साधना कर लिए सारे रोग दुख शरीर से जड़ से समाप्त हो जाएंगे, चिरजीवन को प्राप्त करेंगे, पूरी तरह से निरोगी जीवन। और अगर जीवाग्नि की साधना कर लिए तो सूर्य को ग्रहण कर लेंगे, सूर्य पुत्र बन जाएंगे, पराक्रम आ जाएगा, साहस आ जाएगा, सर्जता आ जाएगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, ओजस, तेजस, वर्चस सबकी प्राप्ति होने लगेगी। और उसके आगे की अगर यात्रा करते हैं तो योगाग्नि की साधना होगी। तीसरे स्तर पर मन संतुलित हो जाएगा,
योग आ जाएगा लाइफ में। अब जब योग आ जाएगा तो दो विपरीत परिस्थितियों को जोड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी। एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, और जिसकी योगाग्नि प्रखर हो गई है तो दोनों को मिला करके एक तीसरी दिशा दे देगा। युग का परिवर्तन करने की क्षमता आने लगती है उसके अंदर, वायु की दिशा को परिवर्तित करने लगता है योगाग्नि के माध्यम से। और उसके बाद जब विवेक की जागृत, विवेक की साधना होती है तो आत्माग्नि जग जाती है, आत्मा में प्रखरता आ जाती है। और जब आत्मा प्रखर होने लगती है तो हम मनुष्य बनने लगते हैं, देवत्व को ग्रहण करने लगते हैं, बुद्धिमत्ता आ जाती है, समत्व बुद्धि आ जाती है, स्थित प्रज्ञता आने लगती है, योगस्थ की स्थिति पैदा हो जाती है, हम विज्ञानमय होने लगते हैं, यथार्थ को पहचानने लगते हैं, स्वयं को भी जानने लगते हैं और इस समष्टि को भी जानने लगते हैं, आत्माग्नि। और आत्माग्नि की बाउंड्री जब पार कर जाती है, वसुधैव कुटुंबकम को अगर आत्मसात करने लगते हैं तब ब्रह्माग्नि जग जाती है। वहां पर नाद बिंदु कला और उसके पार तुरीय अवस्था में आनंद की साधना में, सत की साधना में, पूर्ण चैतन्यता की साधना में ब्रह्माग्नि जगने पर, यह है गायत्री साधना। और अगर हम सूक्ष्म यज्ञ के रूप में लेते हैं, कि जो सूक्ष्म यज्ञ हम संपन्न करते हैं उसको स्थूल के प्रतीक के रूप में हम सभी यज्ञ करते हैं, निरंतर साधक हमेशा यज्ञ करता है, हम भी निरंतर यज्ञ करते हैं स्थूल यज्ञ, लेकिन स्थूल यज्ञ के माध्यम से सूक्ष्म यज्ञ भी किया जाता है, जिसकी चर्चा इस चौथे प्रश्न में आई है, कुछ शब्दों को दिया गया है इसमें, वो शब्द क्या क्या है, उसमें पांच अग्नियों की बात आ रही है। कौन कौन सी अग्नि आ रही है? आवाहनी अग्नि, अन्वाहारी पचन अग्नि जिसको हम दक्षिण अग्नि भी बोलते हैं, और गार्हपत्य अग्नि। इसको अगर हम और विस्तृत में जाएं तो पांच अग्नियों की बात यहां पर भी आती है। जब यज्ञ संपन्न किया जाता है और वैदिक रीति से किया जाता है तो यज्ञ पुरुष बनाया जाता है। यज्ञ पुरुष में आप देखेंगे पूरब तरफ आवाहनी अग्नि, जो प्राण तत्व हम ले रहे हैं इस काया के अंदर, जहां पर होडस कला वाला पुरुष स्थित है उसके अंदर यज्ञ की प्रक्रिया चल रही है, हमारे हर श्वास में, हर प्रश्वास में आहुति पड़ रही है, हम यही तो कर रहे हैं, यज्ञ ही तो कर रहे हैं, प्राण की अपान में, अपान की प्राण में, जब योग साधना करते हैं तो जो बाहर से हम प्राण खींच रहे हैं समष्टि से, विश्व ब्रह्मांड से, सविता से आवाहित करते हैं, आवाहनी अग्नि है। और उस अग्नि को इस पूरे शरीर के अंदर जब व्याप्त कर लेते हैं तो जो आवाहनी अग्नि है वही प्राण है, और जब हम व्याप्त कर लेते हैं, व्यापक रूप में इसके अंदर समाहित करने लगते हैं तो वो पचन पाचन का कार्य संपन्न करने लगते हैं, शरीर के अंदर हर तरह की चीजों को पचाती है, चाहे वो स्थूल में ले रहे हों, चाहे वो सूक्ष्म में ले रहे हों, चाहे वो कारण में ले रहे हों, चेतना की जिस भी धरातल पर हम हैं उसको पचाने का काम करती है, इसीलिए उसको दक्षिणाग्नि भी बोलते हैं और अन्वाह पचन अग्नि भी बोलते हैं। और उसके बाद नाम आता है अपान का, वही ज्ञान भी है, और जब अपान की बात आती है तो गार्हपत्य अग्नि सबसे पश्चिम में आता है, पूरब में आवानी, बीच में दक्षिणाग्नि कर लेते हैं अनवाय प्रचंड, और सबसे पश्चिम में आ जाता है अगर हम यज्ञ पुरुष बनाते हैं तो गार्हपत्य अग्नि, कि जो इस शरीर के अंदर यज्ञ प्रक्रिया चल रही है तो इस सृष्टि को, इसके अंदर जो क्रिया चल रही है यज्ञ जीवन को कंटिन्यू करने के लिए, प्राण को ले रहे हैं और अपान के माध्यम से अनावश्यक चीजों का बहिर्गमन भी करना पड़ता है, निर्माण भी करना है, विनाश भी करना है, तो गार्हपत्य के माध्यम से करते हैं। और उत्तर में बनाया जाता है तो अवसत्य अग्नि, और दक्षिण तरफ लेते हैं तो सभ्य अग्नि। इसीलिए जब भी हम
श्रद्धा समर्पित करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तो वहां पर सभ्य और असभ्य का स्वरूप आता है। अब हम श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं देवों को, ऋषियों को कर रहे हैं, सभ्य होकर के करते हैं, पितरों को कर रहे हैं, असभ्य होकर करते हैं, यही असत्य है और यही सभ्य अग्नि है। ये पंचाग्नि जो है, पांच अग्नियां जो हम स्थूल रूप में करते हैं, उसको प्राणों के माध्यम से उसका कैसे नियमन किया जाए, साधना में उसको कैसे आत्मसात करें, और जो कल चर्चा आई थी पिछली कक्षा में, प्राण की, अपान की, ज्ञान की, उदान की, समान की, इस शरीर में कैसे काम करता है, एनाटॉमिकल रूप में कैसे करता है, उसको यज्ञ माध्यम से कैसे समझा जाए और उसको सूक्ष्मता की गहराई में जाके कैसे समझा जाए, उस पर जब हम मनन चिंतन करेंगे तो हम अपने भ्रमों को दूर कर पाएंगे और उसी से वही यज्ञ प्रक्रिया इस लोकों का निर्माण करके हमको पूर्णता तक पहुंचा रहे हैं। इसी से हम पवित्रता बढ़ाते हैं और पात्रता का निर्माण करते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि कक्षा लगभग अभी समय भी हो गया है और समय की मर्यादा का पालन हम सबको करना चाहिए, तो इस कक्षा को यहीं पर विराम दिया जाए। और चूंकि कल की कक्षा ओंकार साधना है जो हम सभी करते हैं और ओंकार साधना जानना भी चाहिए, तो पांचवा प्रश्न है और उस पर एक कक्षा पूरी तरह से अगर चलेगी तो थोड़ा सा ओंकार के बारे में, प्राणों के बारे में, उद्गीत के बारे में कल विस्तृत चर्चा कल की कक्षा में होगी। और इस तरह से पांच कक्षाओं में इस पूरे प्रश्नोपनिषद को समेटने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि ये सब चर्चाएं जो चल रही हैं, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कक्षा अभी है, इसका प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा तब तक इसका यथार्थ लाभ हमको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप देखें कि बड़ा इंडिकेटिव है कि तीनों वेदों में गायत्री मंत्र आया है, ऋग्वेद में भी आया है, यजुर्वेद में भी आया और सामवेद में भी आया है, लेकिन फल अथर्ववेद में, अथर्ववेद एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि जो तीनों वेदों से हम वेद त्रय से जो ज्ञान अर्जित करें उसका प्रैक्टिकल कैसे करें इस शरीर में, अथर्ववेद। इसीलिए अथर्ववेद में गायत्री मंत्र नहीं आया है, गायत्री मंत्र का प्रतिफल आया है जो हमको चाहिए, जिसके लिए साधनारत है, वहां पर आया है असुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम प्राण आयु। ये जो छह चीजें हमको मिल रही हैं वह इसीलिए मिल रही हैं ताकि हमारा विकास हो, और सातवां चीज ब्रह्म वर्चस्व। तो ब्रह्म वर्चस्व की साधना जब तक हम प्राणायाम नहीं जानेंगे तब तक हम चेतना को परिष्कृत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रयास रहेगा कि कोई एक कक्षा आगे चल करके जब मिलेगी तो ये जो प्रश्नोपनिषद है तो उस पर एक कक्षा में प्रैक्टिकल भी करा दिया जाएगा कि प्राणायाम कैसे किया जाए, हम सांसों की एक्सरसाइज करते रहें या कुछ चेतना की तरफ भी बढ़े। नहीं तो परम पूज्य गुरुदेव अपने को धिक्कारेंगे कि हमने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दिया, कहीं न कहीं वो यही कहेंगे कि बच्चों की गलती नहीं हमारी गलती है कि हमारे बच्चे हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी प्रार्थना यही रहती है कि इतना तो कम से कम विवेक दीजिए कि कुछ तो इंडिकेटिव समझ सकें कि आप क्या चाहते हैं बच्चों से। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी किसी कक्षा में जरूर करने का प्रयास किया जाएगा कि 10-5 मिनट प्राणायाम के ऊपर एक्सरसाइज भी किया जाए। तो इस पर मोटी मोटा हम समझ रहे हैं कि 5 मिनट समय या 4 मिनट समय हमने ज्यादा ले लिया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें संयम को हम सबको पालन करना चाहिए लेकिन मर्यादा को उल्लंघन कभी कभी करना पड़ता है। शर्मा साहब का आदेश था कि 2 क्लास आज पूरा करिए। नहीं ऐसा नहीं, हम आदरणीय सुभाष चंद्र सिंह साहब का धन्यवाद देते हैं कि आज आपने प्रश्न 4 और 6 लिया जी। कल आप 5वां प्रश्न लेंगे और आज हमारी कक्षा का 93 चिंतन क्रम है आज, यानी कि लगभग हम लोग 3 माह हमारे हो चुके हैं। और जैसा कि मेरे ख्याल से आदरणीय नैब साहब ने बताया था कि किसी भी चीज को अगर आप 40 दिन तक कर लेते हैं तो वो नियमितता में आ जाती है। तो हम नैब साहब को बताना चाहेंगे सब 40 दिन की जगह 93 हो गए हैं, तो इसको आप नियमितता में करने का प्रयास करें।
सिंह साहब एक ही साहब ने तीसरा 40 के लिए कहा था, 2:40 नहीं, तीसरा 40 जो पूरा होगा। सिंह साहब एक ही बताइएगा, जैसे कि आपने कहा, पहले प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि जैसे कि हम ज्यादा जो करते हैं वाणी विलास हो जाएगा जी, तो देखिए जैसे युग निर्माण होना है तो युग निर्माण के लिए भी एक क्रम है, पहले मन में आएगा, फिर वचन में आएगा, फिर कर्म में आएगा। इसी प्रकार से ध्यान में भी पहले बैठना आएगा। तो आज हम आपकी कक्षा में 3 माह से बैठना सीखे हैं पहली बार, तो पहली बार हम बैठना सीखे हैं। तो इसका मतलब जिसका हमें उपनिषद में कभी हमने नाम ही सुना था, हमने 4 वेद ही सुने थे। अगर किसी से पूछे 4 वेद कौन से, शायद ही वो इधर उधर ढूंढने लगे, उपनिषद को बताना तो बहुत मुमकिन होगा ही नहीं। तो आज हम इस लायक हो गए हैं कि उपनिषदों के नाम भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि प्रह्लाद ऋषि कौन थे, ये भी बता सकते हैं सब 6 ऋषि कौन थे, फिर ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे। तो थोड़े थोड़े आए, तो हमें थोड़ा सा डांटिए मत ना, हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पर ये हमारा एक प्रयास है और इस प्रयास को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे कर रहे हैं, हम लोग छोटे बच्चे हैं और अभी हम लोग धीरे धीरे ही आगे आ रहे हैं। और अब हमारा जो है प्रश्नकाल शुरू हो जाता है, मैं अभी सबको अनम्यूट कर देता हूँ और उसके बाद एक मिनट, जिसका भी प्रश्न हो हाथ भी खड़ा कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं या चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं। सर मैं सर, आपके उस उद्बोधन पर 10 सेकंड कुछ बोले अगर इजाजत हो तो। श्योर, अरे सर ये तो बिल्कुल बोलिएगा सर। सर अभी जैसे 1-2 दिन आपने जो मैसेज एक फॉरवर्ड, जी सर बोलिए सर, जी सर आप अपने खोलिए, साउंड खोलिए आपका, बंद हो, एक मिनट खोलिए। जी सर मैंने अनम्यूट कर दिया सबको ना। हाँ हाँ सर ठीक है सर। जो विश्व को दिशा देने वाले हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, जब वो उपनिषदों को पढ़ते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता था। जी जी जी। और एक से बढ़कर के एक जो विवेक की पराकाष्ठा पर जा पहुंचे, उन्होंने भी उपनिषदों को ही रास्ता माना, यही साधन है। तो इन उपनिषदों के माध्यम से उसी स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था कि जितने जीव हैं सभी उस पूर्णता तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो हम सब तो डेली मिलजुल करके स्वाध्याय कर रहे हैं, बस खाली उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए जो एक सूत्र आता है हमारे इसमें दर्शन में, योग दर्शन में आता है कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न, कि अगर हम धीमी गति से चलेंगे पहुंचेंगे तो सभी पहुंचेंगे, तो धीमी गति से चलेंगे तो पहुंचने का समय थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और अगर व्याकुलता आ जाए, बेचैनी आ जाए, उसके बिना तड़फ इतनी ज्यादा आ जाए कि नहीं रह पा रहे हैं तो जल्दी आ जाएगा। तीव्र संवेगा नाम, जब संवेग तीव्र हो जाए। और गलती हम कहाँ करते हैं कि जब पूरे जीवन एक फोटो को लेकर के बैठे रह जाते हैं और स्थूल की भी उपासना पूरी नहीं हो पाती है, तब लगता है कि पूरा समय तो निकल गया, आगे की कक्षा कैसे जाए। तो बस खाली विनम्र निवेदन यही है कि हम लोग थोड़ा सा कुछ आगे के लिए भी सोचें इतने, और हम लोगों में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आगे जा रहा है, हम सब एक ही बस में बैठे हैं, बस कोई अगली सीट पर, कोई पिछली सीट पर, यात्रा सबकी साथ ही चल रही है। ड्राइविंग सीट पे कौन है सर? सभी ड्राइविंग, ऊपर परमात्मा गुरुदेव, ड्राइविंग तो एक ही चल रही है सर, देवता एक ही है, दूसरा है ही नहीं, सबको ले चलेगा सर, बस विश्वास रखिए सर। नहीं आपने बात बहुत सही की, जिस प्रकार से कि गंगा या नदी आपस में समुद्र में मिलते हैं, मिलते तो सभी हैं, परंतु जो नदी या गंगा अपना बेड़ा खोल देती हो जाती है, मतलब उसको मिलने में टाइम लगता है, मतलब और जो मर्यादित होकर चलेगी जल्दी मिल जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब प्रश्न काल शुरू हो जाता है, किसी को प्रश्न पूछ लीजिएगा, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सब लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा, मैंने खोल रखा है सर। यस मेरा प्रश्न आपसे ही है, अब ये मेरा सिंह साहब से नहीं, सिंह साहब ने एक प्रश्न अभी किया था कि अब प्रैक्टिकल के लिए जो प्राणायाम के लिए भी हमें एक दिन चाहिए, तो वो सिंह साहब की तरफ से मैं वो कर रहा हूँ, आप वो अलॉट कर दें जिस दिन हम विशुद्ध रूप से उस दिन वास्तव में, और मैं तो मैं अपना या अपने प्रेमियों से ये चाहूंगा उस दिन कुर्सी मेज पे ना बैठ के आराम से नीचे बैठ के क्लास ली जाए और सिंह साहब का पूरा इस विषय पे दोहन किया जाए कि आप हमें प्राणायाम की बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दीजिए।
चलिए, मैंने एक एक डेट बचा के रखी हुई थी 27 अगस्त की, वैसे तो 20 सितंबर हो गया, तो 27 अगस्त हम आपको दे रहे हैं, लिख रहे हैं 27 अगस्त। हमें पता है आप कौन सी डेट देंगे पता है, तो पहले बताएंगे कि आज क्लास नहीं हो पा रही है, आज आप ले लीजिए प्राणायाम पर। देखिए साहब, हम आपको नहीं बताते हैं, बागी जी से हमारा नम्र निवेदन है कि हम लोग कुर्सी मेज से कोई एनर्जी ना रखे सर, कपड़े से कुर्सी से मेज से प्राणायाम नहीं नहीं किसी भी स्थिति में किया जा सकता है सर। नहीं वो बात सर, वो मैं आपसे, आप इसे अदरवाइज मत, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं ये कोशिश करूंगा उस दिन, क्योंकि सर देखिए बेसिक्स तो बेसिक्स हैं, अब ये देश काल और वातावरण के हिसाब से, स्थितियां परिस्थितियों के हिसाब से सब बदलते रहते हैं, ठीक है, बहुत से कारण, लेकिन जो आनंद जमीन में बैठ के या दरी पे बैठ के, वो आनंद अलग है सर। हम कैटेगराइज अगर कुर्सी वाले को बाहर कर देंगे तो कैसे पहुंचेगा? नहीं नहीं सर, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने, मैंने तो अपने लिए कहा है सर, जो पैंट वाला है वो भी लेगा, धोती वाला भी लेगा, पैजामा वाला भी लेगा, सब लेंगे सर, सबको पहुंचना है। चलिए और प्रश्न काल में किसी का भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं सर, प्रश्नों पर आ जाए, जैसा कुछ हो तो डिस्कस कर लिया जाए आपस जी। जी सर, मैं बताऊं शर्मा जी, हमने 21 दिन कहा था, 21 दिन में बायोलॉजिकल क्लॉक जो है एडजस्ट हो जाती है, आप करके देखिए कभी भी, बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी आपकी। और दूसरी बात ये थी, आज के दो प्रश्न जिनका जवाब मुझे कल का इनकी क्लास कंप्लीट होने के बाद चाहिए। आज इन्होंने कहा कि जीव जो है 16 कला संपूर्ण जीव अंदर है हमारे, तो क्या वाकई में हम लोग 16 कला संपूर्ण है? हमारा जीव जो हमारे अंदर आत्मा है, क्या 16 कला संपूर्ण है? क्या हम पैदा होते ही 16 कला संपूर्ण हो जाते हैं? अगर हम अर्न करते हैं, लर्न करते हैं थ्रू आउट अपनी लाइफ में, क्या हम 16 कलाएं सीख पाते हैं? नंबर 1। नंबर 2, साधना, अब इन्होंने कहा 27 तारीख को सिखा भी देंगे, एंड मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उन्होंने थोड़ा डिस्कशन किया था सिंह साहब ने क्लास के अलावा, तो उसमें यही बात हो रही थी कि थोड़ा प्रैक्टिकल करवाया जाए, उसी का एक मिलता जुलता साधना किसे कहेंगे, मतलब किस साधना का मूल क्या है? क्या बैठकर प्राणायाम कर लेना साधना है? मन को प्रभु की तरफ लगा देना साधना है? पुस्तकों का अध्ययन साधना है? या अपने कर्मों को उस तरह से कर लेना साधना? साधना का संपूर्ण एक विवेचन आप चाहे तो एक क्लास भी ले सकते हैं सर। ये दो प्रश्न और तीसरा आपका साधुवाद जो आपने प्रैक्टिकल करने के लिए कहा सर, थैंक यू सर। हम दोनों प्रश्न का अभी 2 लाइन में ही प्रयास करते हैं। पहली चीज तो यह है कि पूर्ण, हम पूर्ण हैं सर, इसमें कहीं कोई डाउट की बात ही नहीं, आज भी पूर्ण है, कल भी पूर्ण थे, कल पूर्ण हो जाएंगे। अब मैटर खाली यह रहा सर कि प्रकाश तो अंदर जल रहा है और हमने क्या किया है सर, उस प्रकाश के चारों तरफ वो लैंप लगा दिया है जिसमें काली माँ हमने बना दी है, इसलिए प्रकाश दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वो जो प्रकाश दिखाई पड़ेगा वही पूर्णत्व है, और काली माँ हमने लगाया है। उस कालिमा को देखिए, जब भी हम गांव में, अगर गांव के रहने वाले हैं सर, लैंप का शीशा आप साफ करते हैं, जब एक शीशा रहता है, अगर उस ज्योति के बाहर 5 शीशा लगा दीजिए और 5ों खूब काला हो जाए, तो साधना और कुछ नहीं है, 24 घंटे का जो अभ्यास, अभ्यासन तो कौन थे है, वैराग्य चक रहते, वही है सर, कि वैराग्य के साथ में निरंतर अभ्यास 24 घंटा। वो कोई ऐसा नहीं कि किसी एक कक्षा में कोई अलग से साधना करा दी जाएगी, अपने कुसंस्कारों को, अपने सुसंस्कारों को, दोनों को साफ करना है, संस्कार रहित होकर के करना है। अभी इसमें कक्षा में एक विषय आया था कि संस्कार रहित होना है अपने को, अग्नि संस्कार रहित है, संस्कार रहित का मतलब जो कुसंस्कार है उनकी सफाई सुसंस्कारों से करना है, और बाद में उस संस्कारों से भी फुर्सत ले लेना है। अगर आपके पैर में एक कांटा चुभता है रास्ते में, उस कांटे को निकालने के लिए एक दूसरा कांटा पकड़ते हैं, अब दूसरे कांटे से पहला कांटा निकाल करके बाद में दोनों को फेंक देते हैं और फिर अपनी अगली यात्रा शुरू करते हैं। जिस कांटे ने पहले कांटे को निकाला वो पूरी नहीं होता है। तो सुसंस्कारों की आवश्यकता वहीं तक है कि जब तक हमारे कुसंस्कार पूरी तरह से निकल न जाए, और दोनों अगर बाहर हो जाता है वही पूर्णता है सर। आज भी आप पूर्ण हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बस खाली यह है कि जो कुछ कचड़े हमने शरीर में, मन में, विभिन्न स्तरों पर, बुद्धि पर बना रखा है, उसी की सफाई साधना है और कुछ नहीं है सर। सफाई हो जाएगी तो 16 कलाएं सामने आ जाएंगी।
सीधे सर, 16 कलाप के अंदर है सर, वो दिखाई पड़ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट सर, नैब साहब, ये तो सिंह साहब ने पूर्ण की बात बताई, आप तो संपूर्ण है भैया, आप लोग बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। अरे नहीं सर, ये सर ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी शक्ल ही ऐसी लग रही है कि आपको मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता है। चलिए अभी हमसे जो सवाल पूछेंगे आशीष कुमार गुप्ता, उसके बाद राजेश दीक्षित जी। नैब साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जो अभी आपने 40 को 21 दिन कहा, मैंने सुना था या पढ़ा तो नहीं तो सुना ही था कि जिस प्रकार से कभी कभी हम ये देखते हैं कि कैसा दिन आता है कि जब हमें बहुत परेशान है या खुश है, तो जबकि हमारा कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, उसके बाद भी हम उस दिन बड़े परेशान होते हैं। तो मुझे किसी ने बताया था कि 40 दिन पूर्व हमने कोई ऐसा कृत्य किया होगा जो ऑर्बिट में घूम के 40 दिन बाद आता है। अब आपका जो 21 दिन था वो किसी का ही सोर्स से है या आपका अपना वो है? मतलब मैंने अब तक 40 ही सुने थे, जैसे 40 सोमवार 40 वो, मतलब अब तक 40 सुनता है, तो आपने इसको हाफ कर दिया, तो हाफ आपकी स्पीड के हिसाब से किया है या किस हिसाब से किया है? मैंने तो सर 21 ही कहा, आपने उसको 40 कर लिया, आप सर 40 कर लीजिए, आप अगर 40 सूट करता है जैसे वो बाकी जी को बैठ कर सूट करता है, वो बैठ के कर ले। अब आशीष कुमार गुप्ता जी पहले अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा, फिर उसका आशीष जी बताएं। आशीष जी बताएं। प्रणाम सर। हां प्रणाम। मेरी आवाज अगर साफ आ रही है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम। हां बताएं बताएं। सर मेरा प्रश्न ओंकार को लेकर के था, अगर उसके लिए अगली कक्षा होनी है तो मैं फिर अगली कक्षा में पूछ सकता हूँ या फिर कल ओंकार की साधना पर है जी, तो कल ओम के ऊपर, इसीलिए एक कक्षा ओम पर अलग से ली जा रही है, पांचवां प्रश्न ओम पर ही है, ओंकार उपासना क्या है जी। तो उसकी तीन मात्राओं को लेकर मेरा थोड़ा संशय था एक साधक के तौर पर, क्या ओंकार की तीन मात्राओं की अलग अलग साधना करनी पड़ती है या कल इसको कल ही खोला जाए? ठीक है डॉक्टर दीक्षित साहब, जो हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट से हैं, आप अपना अपना अनम्यूट करके सब पूछ सकते हैं। हाँ दीक्षित साहब बताएं, आदेश करें जी सर। प्रणाम सिंह साहब। सर सर, गुरुदेव के स्थान पर आपने जो अमूल्य वार्ता दी है, धीरे धीरे मेरा विचार है कि ये दीपक में रोशनी बढ़ने लगेगी। साधुवाद सर, आप लोगों के आशीर्वाद ही बस साथ साथ रहे, हम सभी साथ साथ चलेंगे, प्रयास रहेगा कि गुरुदेव की जो तमन्नाएं अपने बच्चों से है, कम से कम नालायक बच्चे तो नहीं बने सर, कम से कम आपको, आगे बढ़ते रहेंगे सर। आपको जानकारी दे दें कि अगली 4 कक्षाएं आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित साहब ने ले रखी है अपना, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया कक्षाएं 4, इन्होंने बहुत पहले ही हमें बुक करा रखा, आगे वाले वक्त में 4 कक्षाएं आपकी हैं सर, ठीक है सर। चलिए और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चौहान साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। अच्छा हाँ चौहान जी। हाँ सर चौहान। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। एक्चुअली वो जो प्रश्न आया था ना कि साधना किस समय होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसी क्रम में थोड़ा चर्चा करना चाहता था मैं। सर, तो साधना का क्या इस तरीके से लिया जा सकता है? साधना का कोई समय निश्चित नहीं है और मनुष्य के जीवन की साधना अनवरत चलती रहनी चाहिए, अपने आप को जो है साधना है, साधना से मतलब साधना ही है ना, तो हर समय अपने ऊपर नजर रहे और अपना जो भी कर्म हो, क्रिया हो, वाक्य हो, उन पे एक तीक्ष्ण नजर रहे, वही साधना कम शायद हमको आगे ले जा सकती है, कहीं बैठ के माला जपना या बैठ के कुछ उस तरीके से करना वहीं तक सीमित नहीं रहा जा सकता, क्या इस तरीके से लिया जा सकता है? सर इसको दोनों रूपों में लिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 24 घंटे की आहरणीय साधना तो चलती ही चलती है, लेकिन जैसे हम कभी कोई प्लानिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात आती है, तो पूरे जीवनचर्या को चूंकि हम दिन भर सांसारिक थपेड़ों को झेलते ही झेलते हैं, तो उस सांसारिक थपेड़ों को झेलने के लिए बॉडी को तो आपको गियर अप करना पड़ेगा, माइंड को भी गियर अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा बुद्धि को भी गियर अप करना पड़ेगा, तो कोई न कोई पीरियड एक अपने लिए भी सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम एनर्जी कहीं कहीं से तो लें। साधना तो 24 घंटे की ही करनी है, लेकिन यह है कि भोजन के लिए जैसे हम कुछ टाइम निकाल लेते हैं, उसी लिए अपने को गियर अप करने के लिए, क्योंकि हर लेवल पर पांचों अग्नियों को कैसे हम प्रज्वलित करें
और जिसके सहारे हमको पूरे दिन भर लड़ाई करना है, तो जब भी हम सो के उठते हैं तो उस समय एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहता है। और अगर टाइम के साथ में, चूंकि व्यष्टि को समष्टि के साथ में संयोग करने की बात हमेशा आई है, तो समष्टिगत ऊर्जा का स्तर जब ज्यादा होता है तो उस समय स्वाभाविक रूप से हम लबालब भर जाएंगे। इसलिए अपने लिए जो सहूलियत हो वो निकालें, और समष्टि के साथ अगर साज्यता स्थापित कर लें तो फिर तो सोने पर सुहागा है सर। बाकी अगर नहीं हो पाता है तो जब जगे तभी सवेरा 12 बजे भी सूर्योदय मान के चलिए। कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय शिक्षा, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ उसमें? आदेश सर। हमें किसी वरिष्ठ हमारे, उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से एक रानी मक्खी होती है, जब वो शहद के लिए जाती है तो उसकी सारी मक्खियां उसको फॉलो करती हैं, जो सब उसको शहद को लेने के बाद फ्लावर से तो वापस अपने उसमें जो आती हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, कुछ उसमें जहाँ वो होता है छत्ता होता है, जब वो वापस आती हैं तो सबसे पहले रानी मक्खी उसमें एंटर करती है, तो धीरे धीरे करके सारी मक्खियां उसको फॉलो करती हैं और उस नियम के अकॉर्डिंग उसके अंदर एंटर कर लेती हैं। मुझे नहीं पता ये साइंटिफिक कितना सही है क्या चीज़ है, परंतु ये है कि जब वो मक्खियां एंटर करती हैं तो उसका एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के बाद वो छत्ते का वो दरवाजा बंद हो जाता है, तो इसका मतलब वो मक्खियां बाद में एंटर नहीं करती। इसका मतलब ये हो कि हमें जो साधना करनी है वो 24 घंटे की करनी है, जिसमें कि कहीं ना कहीं हल्की सी भी, क्योंकि मन जरा सा भी हमका भटकता है तो कहीं ना कहीं वो नीचे गिर जाता है जाके। तो सर इसीलिए तो एनर्जी की आवश्यकता, इसीलिए तो उसकी रानी मक्खी, जो रानी मक्खी है उसको आने के लिए जो एक समय काल, क्योंकि जब हम व्यष्टि और समष्टि की बात करते हैं तो मॉर्निंग वाला जो काल सविता का काल होता है, क्योंकि सविता जो है वही प्राण का हमारा केंद्र है और उसी को सविता काल ऋषियों ने कहा, तो कुछ न कुछ रिसर्च किया होगा और प्रैक्टिकल करके देखा भी जाता है कि उस समय अधिकांश हम सुषुम्ना काल में होते हैं, सुषुम्ना की स्टेज में होते हैं, और जिन प्राणों की चर्चा इसमें आई है, नाड़ियों की चर्चा आई है, तो उसमें सुषुम्ना में क्योंकि अल्फा वेव्स निकलती हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 से लेकर के 13 के बीच में होती है, गुरुदेव हर समय अल्फा कंडीशन में रहते थे और उस समय मन इतना शांत होता, इतना शांत होता है कि जो चीजें, अब उपनिषद जो है, उपनिषद दिन में पढ़ने की चीज नहीं होती है सर, एक्चुअली अगर देखा जाए तो उपनिषद उसी काल में पढ़ा जाता है कि जब हमारा चेतना जो है वो सुषुम्ना में स्थित हो, और यही चेतना जब ईड़ा में होती है, पिंगला में होती है, तो अभी आप कह रहे थे कि कभी कभी मन अपने आप इतना प्रसन्न होता है, उस समय अल्फा वेव में रहते हैं, कभी कभी बीटा में आ जाते हैं, डेल्टा में आते हैं, थीटा में आते हैं, थर्ड थपेड़े इतने ज्यादा आने लगते हैं कि सारा ज्ञान हमारा जो है धारा का धारा रह जाता है। तो इसीलिए उस पीरियड में अपने को गियर अप तो करना पड़ेगा सर। जो हम आहार लेते हैं तो आहार को सिर्फ मुंह से क्यों लेते हैं, विवेक से भी तो आहार ले रहे हैं, प्राण के रूप में आहार ले रहे हैं, और वही रानी मधुमक्खी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया। और आपने, इसीलिए आप जो है सुबह प्रातःकाल में ही ग्रहण करते हैं, वह समझ में आया, 3 से 4 में जो आप अध्ययन करते हैं सुबह, वो सभी यही वजह है सर, यही तो गुरु का अनुशासन है, अदरवाइज गायत्री मंत्र की दीक्षा का कोई मतलब नहीं रहा अनुशासन। तो हमें भी कोई ऐसी प्रेरणा दीजिए ताकि हम लोग भी कुछ ऐसा कर सकें। और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो जो सतयुग और ये द्वापर कहते हैं, तो जो सुबह का वक्त है वो सतयुग ही है वास्तव में, और जैसे जैसे नीचे आते जाइए रात्रि में वो कलयुग हो जाएगा। क्यों? सारे काम जो होते हैं गलत वो कलयुग में ही समझिएगा, और जो अच्छे काम होते सतयुग में नहीं कर पाता आदमी। क्यों? रात्र काल सतयुग ही होता है। देवी देवताओं की जो ये रूपक दिए गए हैं वो इसी रूप में दी गए हैं कि सरस्वती की आराधना कब करनी है, दुर्गा की आराधना कब करनी है, लक्ष्मी की आराधना कब करनी है, काली की आराधना कब करनी है, सबका काल इसलिए डिफाइन किया गया है कि उसके गुणों को हम अर्जित करते हैं। काली की उपासना आप देखें कि मध्यरात्रि में करने की बात आई है, लक्ष्मी की उपासना शाम के टाइम पर, दुर्गा की उपासना दिन में हम करते हैं, सरस्वती की उपासना प्रातः काल करते हैं, और एक ही सत्ता विभिन्न रूपों में परिलक्षित होती है गुणों के आधार पर। और वही अगर हम समष्टि को व्यष्टि में लेने का प्रयास करें, व्यक्तिगत अपनी साधना में उसको समाहित कर लें, अभ्यास में समाहित कर लें, तो हमारे लिए थोड़ा सुलभ हो जाता है। जिस दिशा में पानी का प्रवाह चल रहा है उधर तैरना बहुत आसान हो जाता है। और अगर हम ये कहें कि नहीं हम तो विपरीत दिशा में जाएंगे, तो जा तो सकते हैं लेकिन
प्रोग्रेस बहुत कम रहेगी सर। चलिए हम आपका आदरणीय सुनता बहुत धन्यवाद देते हैं और आप हमारे पे ऐसी कृपा बनाए रखिएगा ताकि आपके ज्ञान से हम सब लोग लाभ ले सकें। हम लोग शिष्य हैं आप लोगों के और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओम शांति शांति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।